150 साल पुराना कॉलेज है। 150 साल पुराना कॉलेज। गंगा आरती भी शुरू नहीं हुआ है अभी। यहाँ से कहाँ निकलनी है? मथुरा। मथुरा मथुरा भी निकलने का। इतना लॉन्ग लॉन्ग जर्नी लेकर चल दी है, बहुत बड़ी बात है। चलो भाई, मेरा गाड़ी तो निकल गया, भैया का भी गाड़ी निकल रहा है, उसके बाद चलते आरती देखने के लिए। पटना आने के बाद थक गया था, ऐसी अचानक से नींद पड़ गया ऐसी। मैच वैच हाईलाइट हाइट देख रहा था फुटबॉल का। ये निकले भैया अपने गाड़ी में, मैं अपने गाड़ी में। चलो, मेरे कॉल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत घटिया है। आई एम रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट फॉर दिस वीडियो दैट दे शुड टेक केयर ऑफ दिस रोड। सही बात है, आखिरी में मतलब जैसे मैं वो क्या बोलते हैं राजेंद्र नगर स्टेशन के बाद आया, उसके बाद से थोड़ा सा खराब हो गया 1.5-2 किलोमीटर। तभी मेरे को समझ आया कि भाई भैया क्यों बोल रहे हैं कि यार आधा घंटा लगेगा। सब मेरे को समझ आया कि हाँ, यो बॉय, दिस इज रियल पटना। ये एकदम बड़ा बड़ा बिल्डिंग और एकदम छोटा छोटा गली, यही बाबा पटना। ये भाई भीड़ देख लो भाई, पूरा स्टूडेंट्स का भीड़ है। ये स्टूडेंट्स का मिला है इधर पे। हाँ, ये कहाँ कैंपस ही है ये पूरा? अच्छा, हम लोग अभी NIT पटना में, भैया यहीं से पढ़े हैं। क्या अभी मास्टर्स किए थे? BTech। अच्छा, BTech किए। तो यहाँ तो गार्ड वार्ड घुसने नहीं दे रहे, तो भैया लड़ाई वड़ाई कर दिए थे भाई घुसने के लिए। बोला था कि संडे को फ्रेंड नॉट अलाउड, बिकॉज यू कैन सी हाउ मेनी रश, तो एवरी पीपल हु गो फ्रॉम दिस प्लेस। अच्छा, घाट जा रहे हैं सब, तो सब वो यार सब लोग ना। हाँ, तो सब लोग झूठ बोल करके NIT में एंटर करना चाहते हैं टू विजिट, सो दैट्स व्हाई द गार्ड्स आर टू स्ट्रिक्टिव। दिखाते हैं भाई इतना भीड़ है। इट्स सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, सो एवरी कॉलेज NIT पटना हॉस्पिटल एवरी कॉलेज इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जितना भी कॉलेज है पटना में सब गंगा नदी के किनारे बसा, तो पीछे में ही गंगा नदी, यहीं पर आरती होता है और सैटरडे संडे को इतनी आरती होता है। तो क्या आवाज़ है? ये तो बर्ड का आवाज़ है ना। अच्छा, वो यार ऊपर में एरोप्लेन जा रहा है, क्या एकदम शुरू हो रहा है। 150 साल पुराना कॉलेज है। 150 साल पुराना कॉलेज, दिस इज मोर देन अराउंड। तो भैया मतलब NIT को मतलब स्टार्ट कब होता है इंडिया में? NIT तो बहुत लेट स्टार्ट होता है, बट दिस कॉलेज वाज अ पार्ट ऑफ BCE, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एंड देन लेटर दिस हैज बीन एक्वायर्ड एज NIT। ओके, बड़ा बिल्ड हो गया है घाट। घाट इज लाइक नाउ क्वाइट फेमस। अच्छा, मतलब कब बना यार घाट पहले? ये घाट तो बना हुआ है मोर देन 20 ईयर्स, बट इस घाट का एक्सटेंशन नहीं था, नाउ वो पूरा एक्सटेंशन हो गया है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये रिसेंट 5 ईयर्स में इट हैज बिल्ट फॉर अराउंड मोर देन 10 ईयर्स, 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर लंबा घाट बना दिया 5 साल पहले। 5 साल के अंदर अंदर में, जब गांधी घाट नाम, गांधी घाट, दिस इज गांधी घाट, एंड देन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे या पीछे करते घाट का नाम, घाट का नाम बदलता जाएगा, हर 500 मीटर पे घाट का नाम मिलेंगे। चलो, और भीड़ इतना जबरदस्त है, सही बोले। सीढ़ियों का आवाज़ इनका बढ़िया लग रहा है, ये NIT में भी आ रहा था। जब पूरे पेड़ के ऊपर हैं सबके साथ चले भाई, जहाँ देखोगे सिर्फ भीड़ ही भीड़ है भाई, भीड़ ही भीड़ है। यही है गंगा नदी भाई, इतना भीड़ तो मैं बनारस में भी नहीं देखा हूँ, दशाश्वमेध घाट में, और दूसरा क्या घाट था, हर की पौड़ी था वहाँ पे, हरिद्वार में, इतना भीड़ नहीं देखा भाई। यहाँ मेला जैसे लगा भीड़ भाई, और यही पीछे में होने वाला कुछ देर में। भीड़ देख के लग तो रहा है कि होगा आरती, बट माहौल देख के नहीं लग रहा कि आरती वो पीछे वैसा कुछ हलचल वलचल नहीं, जहाँ पर मतलब फ्लैग वगैरह लगा ना झंडा वगैरह, यहीं पर होता है आरती। क्या है दुकान का नाम? लवली लस्सी, वेरी फेमस, बहुत फेमस है भैया, बोल रहे हैं लवली लस्सी बहुत फेमस यहाँ पे। मतलब ये दुकान कम से कम 50 साल से होगी यहाँ पे। अच्छा, 50 साल। चलो भाई, 50 साल पुराने दुकान का लस्सी टेस्ट करके देखते हैं। तो व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? इज इट गुड? बहुत अच्छा है।
मस्त लगा। पीछे भैया मेरा साइकिल चला रहे हैं भाई। ये देख, इस एरिया को बोलते हैं गांधी मैदान। गंगा आरती भी शुरू नहीं हुआ है इसलिए आरती दिखा नहीं पाया हम लोग को। हाँ भैया बताइए, इसको गांधी मैदान क्यों बोलते हैं? ये हम लोग गांधी मैदान के पास है क्योंकि ये पटना का सबसे बड़ा मैदान है, गांधी मैदान। तो यहीं पे 15 अगस्त 26 जनवरी को सारा परेड वरेड होता है। बहुत बड़ा मैदान है। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ पटना। वी आर द सेंटर ऑफ पटना। दिस साइड इफ वी गो दिस साइड देन वी विल रीच टू पटना सिटी विच इज वेयर गुरुद्वारा इज देयर, ओल्ड पटना। दिस साइड दिस इज द न्यू पटना विच इज मॉडर्न पटना वी कैन से। छत्तीसगढ़ से साइकिल लेके आए हैं? थोड़ा मोटिवेट अभी झारखंड को जा। भाई क्या बात है, ऐसा मोटिवेशन के मतलब एग्जांपल है आप। तो रुको नहीं यार, तो फिर अभी सही में आ रहा है। हाँ, लगेज लगेज भैया घर पे रखा है? मेरे घर पे रुके हुए हैं 6 दिन के लिए। अभी यहाँ से कहाँ निकलिए? मथुरा। मथुरा अच्छा, मथुरा भी निकलने का। कहाँ से स्टार्टिंग किया आपने? मैं जशपुर। सुने जशपुर? जशपुर कहाँ पर? बॉर्डर है मतलब झारखंड इस तरफ पड़ता है, जशपुर छत्तीसगढ़ में आता है। हाँ, वहाँ से शुरू। वहाँ से कहाँ तक है लास्ट पॉइंट आपका? पूरा इंडिया को घूमना, एक्सप्लोर पूरा इंडिया करना है। लेकिन आपने जो साइकिल चूज किया ना, ये बोल दीजिए। हाँ वो तो है, साइकिल का ब्रेक खराब है। खराब नहीं है क्या है, साइकिल हल्का साइकिल है ना, तो उसका लोड कैपेसिटी 75 किलो है। अच्छा हाँ, तो अब ज्यादा रहेगा तो रिम बैंड हो जाता है, तो चक्का हाँ। हिलता है ना तो टकराता है ब्रेक में, इसलिए मैं ब्रेक निकाल दिया सामने का। इतना लॉन्ग लॉन्ग जर्नी लेकर चल दिए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, बहुत हिम्मत चाहिए इसलिए कि हम लोग तो चलिए कम से कम जिंदगी में कुछ ना कुछ तो है। मैं 4 तारीख को निकला था। 4 तारीख को निकला था लेकिन मैं रांची में रुका था 6 दिन, मतलब 9 से 9 से 14 तारीख। नहीं मतलब रांची से 2-3 दिन रुकते रुकते हैं ना, रांची से 100-150 किलोमीटर 4-5 दिन करते करते। इसका पर्पस क्या होता है एक्चुअली, मतलब ये क्या आपको एक्सप्लोर करना, इनको दुनिया घूमना, जिंदगी में जो चीज देखा नहीं कि यहाँ पे कुछ नेचुरल चीज है, यहाँ पे देखना मंदिर नेचर को देखना। हाँ डिफरेंट कल्चर कोई नहीं। मथुरा का आपका होली बहुत बढ़िया होता है, लठ मार होली होती है नहीं वहाँ पे, और दूसरे दूसरे प्रकार का भी होली होता है, धूल होली भी बोलते हैं। लेकिन जो फेमस होली जो मनाया जाता है लठमार होली होती है, बहुत बढ़िया होता है वहाँ। जो मतलब कपल्स होते हैं या उनकी जो मतलब की मैरिड होते हैं। भाई आजमाबाद कॉलोनी का एक ब्लॉग बना के ही निकलना है आपको यहाँ से। ये तो बन तो रही है अभी, यही तो है ब्लॉग हमारा। लेकिन आप लोग नाम नहीं बताए, आप लोग बिना नाम बताए। नाम इंशा हुआ भाई, ठीक है ना? क्या बोले आप? इंशा। इंशा इंशा ना? जी जी। मेरा मुदस्सिर। मुदस्सिर भैया। आप लोग? जावेद भैया। आप? शहबाज। शहबाज भैया। ठीक है ठीक है। भैया इंशा भैया, जावेद जावेद भैया, शहबाज भाई। आपके कोड के हिसाब से ब्रो कोड चलेगा। चलो भैया। सद्दाम भाई, मेरा नाम सद्दाम हुआ। अच्छा नहीं, इनको क्या बोल रहे थे भैया आप उस टाइम पे? क्या बाइक पे जा रहे? बाइक से। हाँ अच्छा, बाइक से जा रहे? नहीं यार, ये सब अरे यार बाइक से ये माली में कहाँ गया हुआ है? कहाँ गए थे ये आपको बाइक से? कहाँ गए थे बताओ तो भैया। तुम कहाँ तक गए मेरे साथ? अरे तुम फिर तुम क्यों छुपा रहे हो? तुम बता रहे गलत है। स्कूटी से ये गया हुआ है आपको, नॉर्थ सिक्किम गया हुआ है, गैंगटॉक वगैरह गया हुआ है, बाई रोड 85 किलोमीटर साइड पे। यो तो काम है भाई, काम है, खुद अपने काम के लिए जाता है। ये हमारे सैफ अली भाई हमारे, अगर कुछ मेडिसिन इनसे होगा प्रोवाइड तो इनसे मिल जाएगा, बता सकते हैं आपको। जी जी बिल्कुल, वैसे तो अभी तक फिट है, कुछ हुआ नहीं है, अच्छी बात है, और कुछ होना भी नहीं चाहिए। मेरा गाड़ी रे, मेरा गाड़ी यहां पे लगाया है, आगे लगाएं। चलो ठीक ठीक है भैया, चलो व्लॉग तो बना लिए लेकिन आप तो बस खड़े थे एक्स्ट्रा में। व्लॉग बना यहाँ का लेकिन आप एक्स्ट्रा में खड़े थे बस। तुम क्या, आप कुछ बोले? शेयर द चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, वही जरूरी है। अरे तुम लोग एक दूसरे को आप कनेक्ट कर लो ना भाई, फ्रेंच फ्राइज खाते। देख रहे हो भाई व्लॉगिंग लोगों को कितना मिल रहा है, हम कॉलोनी में 20 साल से रह रहे हैं, हमको देखो ये कुछ भी नहीं पूछा गया। देख रहे हो चलो ना, तो मेरे बहाने आपको भी तो पूछ रहे हैं ना भैया, आप पानी तो पूछ रहे हैं ना। बेइज्जती हो रहा है भाई जिंदगी में कुछ अजीब कर
कर रहा है, तो कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ दाऊद भैया फुल प्रमोट कर रहे हैं मेरे यूट्यूब को, इतना प्रमोट तो मैं नहीं बोलता, मैं नहीं करता हूँ। नहीं बहुत अच्छा कोऑपरेटिव लग रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है लेकिन मतलब ऐसा कोई बोलता नहीं मैं नहीं बहुत बड़ा बहुत माइडियल लग रहा है सर, कॉलोनी में अच्छा लग रहा है, अपने दम पे हर चीज़ करता है, शरीफ लड़का हूँ समझे। नहीं ये नहीं शराफत में नहीं आता है। अरे हम शरीफ है कि नहीं? नहीं एकदम नहीं, मेरे ऐसा शरीफ ढूंढने लड़का ढूंढने नहीं मिलेगा। सो वापस आने के बाद बहुत थक गया हूँ यार, यही भी व्लॉग को एंड करते हैं। गंगा आरती शुरू नहीं हुआ मतलब कोविड के टाइम से बहुत दिन से बंद है, तो हम लोग को लगा कि आज शुरू हो जाएगा संडे को, क्योंकि सैटरडे संडे को यूजुअली होता है पटना में, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो अपन आरती देख नहीं पाए। और आप लोग चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं लाइव अपडेट्स देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, है ना। यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक लिए सायोनारा। अरे वो चालू होगा कैमरा तब ने बोलना है। चल रहा है चालू है।